सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे आईफोन XR पे BGMI बैटरी ड्रेन टेस्ट 100% से लेके 0% तक। और ये हम करने वाले हैं iOS 18 के बीटा 4 पे। iOS 18 पे मेरा आईफोन XR रन कर रहा है और iOS 18 के बीटा 4 का री रिलीज भी हुआ था 200 MB का, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और वो भी मैंने अपडेट कर लिया है। और मेरे XR की बैटरी हेल्थ है 79%। तो इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि 79% बैटरी हेल्थ अगर आपके फोन की होती है आईफोन की तो कितना बैकअप आपको मिल सकता है। तो आज टेस्ट देख के भी आपको पता लग जाएगा और वैसे भी मैं बता दूंगा कि अगर आप किसी और फोन पे भी खेलोगे तो आपको कितना बैकअप मिलेगा। तो भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो कैसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100% हमारे XR की बैटरी हो रही है और 11:11 हो रहे हैं। तो अभी मैं आधे घंटे बाद, फिर एक घंटे बाद और उसके बाद जो हमारी बैटरी आ जाएगी 1% पे, तब आपको बैटरी और टाइम दिखाऊंगा और परफॉर्मेंस पूरी बताऊंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और आपको कहीं पे भी लैग दिखेगा तो नीचे कमेंट करना। और अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। Just like a spark that's breaking out, can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए मेरे को आधा घंटा हो चुका है और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है आईफोन XR पे 83% पे। और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई 11:40 हो रहे हैं और यानी कि हमको खेलते हुए यहाँ पे एग्जैक्ट 30 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। और मैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे खेल रहा था और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे ही खेलूंगा। तो आधे घंटे में जो कि हमारी बैटरी गई है वो गई है 17%। और देखा जाए ना तो भाई बैटरी हमारी सही चल रही है, वैसे बीटा 3 पे कम चल रही थी। और अगर आपकी बैटरी हेल्थ ऐसे होगी ना 79%, 80%, 82%, 85% है, तो ऐसे ही आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। मतलब आधे घंटे में लगभग आपकी 20% बैटरी चली जाएगी, चाहे आप XR पे खेलो या फिर 11 पे या फिर 12 पे या फिर 13 पे। और बाकी रही बात इस आधे घंटे की परफॉर्मेंस की, तो इस आधे घंटे में मेरे को यहाँ पे लैग तो बिल्कुल भी देखने नहीं मिला, लेकिन हीटिंग यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही थी। मतलब नॉर्मल से हीटिंग ज्यादा हो रही थी, हल्का फुल्का तो हीट होता ही है जब भी गेम खेलो, चाहे कोई सा भी गेम खेलो, लेकिन BGMI खेलते वक्त वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा ही हीट होता है। और अभी कुछ ज्यादा ही हीट हो गया ऐसे मेरे को फील हुआ इस आधे घंटे में। और फ्रेम ड्रॉप भी मेरे को उसके वजह से देखने मिल रहे थे, मेरे को कहीं भी लैग तो ज्यादा देखने नहीं मिला अभी तक, लेकिन फ्रेम ड्रॉप मेरे को काफी देखने मिल रहे थे, रेंडर इशू भी मेरे को काफी देखने मिल रहा था। तो ये था मेरा आधे घंटे का एक्सपीरियंस एंड भी आगे गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि एक घंटे में हमारी कितनी बैटरी जाती है। तो अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए हमको 1 hour कंप्लीट हो चुका है, 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है 54% पे। और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12:17 हो गए, यानी कि मेरे को खेलते हुए कुछ 1 hour और 6 या 7 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 1 घंटा और 6 या 7 मिनट हो चुका है मेरे को खेलते हुए BGMI। तो इस 1 hour में जो हमारी बैटरी गई है वो गई है यहाँ पे 46% और 5 मिनट मैंने ज्यादा ही खेल लिया यहाँ पे, तो 1-2% उसमें भी गई होगी पक्का। तो अराउंड मान लो कि 44% हमारी बैटरी गई है, जो कि यार सही है। मतलब 79% बैटरी हेल्थ के हिसाब से काफी बढ़िया हमारी बैटरी चल रही है BGMI में, वरना आराम से यहाँ पे 50% तो ड्रेन होनी ही चाहिए थी, क्योंकि पहले भी मैं काफी टेस्ट कर चुका हूँ और पहले जब मेरी बैटरी हेल्थ 81% पे थी, 82% पे थी, तब भी 1-1 घंटे में ना 50% बैटरी जा चुकी है। तो इस वजह से 50% बैटरी तो जानी ही चाहिए थी 79% बैटरी हेल्थ पे, ऐसा मेरे को लगता है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बैटरी यहाँ पे गई है बस 46%, तो बैटरी यहाँ पे काफी अच्छी चल रही है। और बाकी भी कोई भी आईफोन होगा ना और उसकी 79% बैटरी हेल्थ होगी तो
आपको भी लगभग ऐसा ही बैकअप मिलेगा, मतलब एक घंटे में आराम से 40% 42% ऐसे बैटरी तो जाएगी ही अगर 11 या 12 या 13 हुआ। और अगर अभी मैं बात करूँ इस एक घंटे की परफॉर्मेंस की, यानी कि लैग हुआ या फिर नहीं हुआ, फ्रेम ड्रॉप कितने हो रहे थे, रेंडर हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था, और हीटिंग हमको देखने मिल रही थी या फिर नहीं मिल रही थी, मेन चीज तो यही है। क्योंकि हीटिंग जितनी ज्यादा होगी ना उतनी ही जल्दी हमारी बैटरी ड्रेन होगी, तो ये चीज कई लोगों को पता नहीं होती है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो हीटिंग मेरे को यहाँ पे इस एक घंटे में काफी देखने मिली, और शुरू में मेरे को सबसे ज्यादा हीटिंग देखने मिली थी, मतलब शुरू के 15-20 मिनट में, और उसके बाद हीटिंग कम हो गई। और ऐसे हमेशा ही होता है, हमेशा मैं नोटिस करता हूँ शुरू के 15-20 मिनट में ही बहुत ज्यादा हीटिंग होती है या फिर होती ही नहीं, ऐसा होता है। तो हीटिंग यहाँ पे मेरे को काफी देखने मिली, लेकिन यहाँ पे हमको लैग उतना देखने नहीं मिल रहा था पहले आधे घंटे में, लेकिन उसके बाद मेरे को लैग भी काफी देखने मिलने लगा। आपने क्लिप में देखा होगा काफी लैग हो रहा था, तो पहले आधे घंटे तो मेरे को उतना लैग देखने नहीं मिला, लेकिन बाद के आधे घंटे में मेरे को लैग भी देखने मिला, रेंडर इशू भी हो रहे थे, फ्रेम ड्रॉप भी बहुत ज्यादा हो रहा था। मतलब लैग पता है कैसे हो रहा है, मतलब जैसे मैं फायर कर रहा हूँ ना तो लैग हो रहा है, स्कोप खोल रहा हूँ तो लैग हो रहा है, तो इतना गंदा मेरा लैग हो रहा था। अब भाई मैं क्या ही बताऊँ, एक तो इतना पुराना फोन है मेरा, मतलब ये जो मेरा XR है ये 3.5 साल पुराना है, तो लैग तो होना ऑब्वियस ही बात है भाई, कोई भी फोन लैग कर जाएगा। और बाकी एंड्रॉइड होता तो भाई उसकी तो समाधि ही बन गई होती। तो अभी आए गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि अब हमारी बैटरी 0% पे कितने देर में आती है। तो अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरे को खेलते हुए काफी टाइम हो चुका है, और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है 1% पे, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 127 हो रहे हैं, यानी कि 1:27 हो रहे हैं, और यानी कि मेरे को खेलते हुए भी यहाँ पे 2 घंटे और 20 मिनट कुछ हो चुके हैं। अगर एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो 2 घंटे और 17 मिनट मेरे को हो चुके हैं खेलते हुए, और इतने देर में हमारी BGMI में पूरी बैटरी जा चुकी है iOS 18 के बीटा वर्जन पे 79% बैटरी हेल्थ पे। तो देख सकते हो भाई कि आपको कैसा बैकअप देखने मिलेगा अगर आपकी 79% बैटरी हेल्थ होती है किसी भी आईफोन की। मतलब अभी तो मैं iOS 18 के बीटा पे चल रहा हूँ, और अभी ना बैटरी सही में यहाँ पे ज्यादा मिली है हमको, नहीं तो बैटरी यहाँ पे ना लगभग 2 घंटे से भी कम मिलती अगर बैटरी बेकार चलती तो। लेकिन बैटरी अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अच्छी चल गई है जितना मैं देख रहा हूँ। और अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हो, और खासकर तो बैटरी टेस्ट वाली वीडियोस देखते हो और काफी टाइम से देख रहे हो, तो आपको ये चीज भी पता होगी जब मेरी बैटरी हेल्थ थी 82% पे या फिर 81% पे, तो हमको कुछ 2 घंटे का बैटरी बैकअप देखने मिला था एक बार, जो कि बहुत ही कम है, वो भी 80% बैटरी हेल्थ के साथ में, 81% बैटरी हेल्थ के साथ में। 81% अगर बैटरी हेल्थ होती है और एक्स सीरीज है, मतलब कि XR फोन है या फिर XS फोन है, तो लगभग 2 घंटे और 25 मिनट या फिर 30 मिनट बैटरी बैकअप मिलना चाहिए BGMI में। और अगर पबजी है तो पबजी में तो और 10 मिनट ज्यादा ही मिलना चाहिए। तो इसी वजह से अभी हमारी बैटरी यहाँ पे ज्यादा अच्छी चली है। और iOS 18 के ना बीटा आते हैं, मतलब बीटा वर्जन आते हैं जो अपडेट्स होते हैं, तो बीटा 3 पे हमारी बैटरी काफी गंदी चल रही थी, और अभी बीटा 4 का अपडेट आया तो बैटरी यहाँ पे अच्छी चल रही है। तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि भाई बैटरी यहाँ पे ज्यादा अच्छी चल रही है, इस वजह से हमको 15-20 मिनट ज्यादा बैटरी बैकअप देखने मिल गया, नहीं तो जितना मैंने कैलकुलेट किया था उसी हिसाब से 1 घंटे और 50 मिनट का बैटरी बैकअप मिलना चाहिए था 79% बैटरी हेल्थ पे हमारे आईफोन XR पे। और अगर 79% आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ हो जाती है तो आपको भी लगभग इतना ही बैटरी बैकअप मिलना चाहिए, मतलब 2 घंटे का मिलना चाहिए BGMI में। और अगर पबजी खेलोगे तो भाई 10-15 मिनट ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि भाई पबजी ऑप्टिमाइज है, और ये मैं बता रहा हूँ आईफोन 11, 12, 13, 14, 15 के लिए। और बाकी SE2, SE3 का पूछ रहे हो तो भाई उसमें तो बहुत ही कम मिलेगा, उसका अंदाजा भी नहीं है मेरे को ठीक से। और अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ ना कि लैग कितना हो रहा था, हीटिंग कितनी हो रही थी, तो हीटिंग का मैंने आपको पहले बताया ही, 15-20 मिनट जो पहले के थे ना, सबसे पहले के उसी में बहुत जोर का हीट हो रहा था, लेकिन उसके बाद ना हीटिंग काफी नॉर्मल हो गई और हीटिंग कम ही होती जा रही थी। फिर बस बाद में जब 1% बैटरी हेल्थ आने वाली थी ना, तब यहाँ पे हीटिंग बढ़ गई, तब मेरे को पता चल गया था कि हाँ भाई बैटरी यहाँ पे हमारी 1% पे आने वाली है। और बाकी मेरे को लैग भी यहाँ पे काफी देखने मिला, शुरू के आधे घंटे में मेरे को बिल्कुल भी लैग देखने नहीं मिला था, लेकिन फ्रेम ड्रॉप मेरे को पूरे टाइम देखने मिला, और
और लैग मेरे को आधे घंटे के बाद में देखने मिला। तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस मेरे को देखने मिली एंड आपके सामने है बैटरी बैकअप, कितना बैटरी बैकअप हमको मिल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सर उसे सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।